वेलकम टू माय चैनल फेरी बीजी कॉर्नर और आज मैं आई हूँ आपके आपके पास एक नए रिव्यू के साथ। So this is about the Wonderchef Cook with Pride और ये बहुत ही क्यूट सा आप देख सकते हैं, इतना अच्छा कलर है इसका। तो इट्स अ वेरी नाइस कुकवेयर सेट, तो बहुत क्यूट है और आपके किचन की शोभा बढ़ा सकता है। तो आप देख सकते हैं इसके कलर्स, आपको इसमें तीन यूटेंसिल्स मिलते हैं विद अ लेड। मैं इसका बबल रैप निकाल दूँ मुर्गी सारी। ओके सो तो दिस लिड इसके लिए यूज़ कर होता है और इसके लिए बस, इसके लिए बिकॉज़ दिस टू यू नो ब्रॉड, तो इसके लिए नहीं, तो इन दो यूटेंसिल्स के लिए यूज़ होता है। गाइस इसके बॉक्स में मेंशन किया है इट इज़ 4000 रुपीस, पर हमें डिस्काउंट में मिला 1969 रुपीस में। ओके गाइस, तो आते हैं इसके प्लस पॉइंट पे। तो इसके प्लस पॉइंट इज कि ये बहुत ही चिकन स्टाइलिश है, ऑब्वियसली दैट इज़ सो ऑब्वियस। उसके बाद हाँ, ये जो हैंडल्स हैं दे आर मेड ऑफ प्लास्टिक, आई एम गेसिंग दैट, और एज अ प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, पर नहीं होता है तो इसे बिकॉज इट्स इंसुलेटर, प्लास्टिक इंसुलेटेड है तो इसलिए वो लेता नहीं है। दिखने से तो लगता है जैसे, देखो आप अगर देखोगे ना तो ऐसा टेक्सचर है, इट्स लाइक मैट, तो देखने से थोड़ा थोड़ा लगता है जैसे रबर है, पर इट्स नॉट, इट्स प्लास्टिक। ओके एंड मैंने एज बोला कि इसके जो नीचे के जो पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न्स हैं इसकी वजह से इट इज़ इट कैन बी यूज ऑन एनी मोड लाइक इंडक्शन, गैस, इलेक्ट्रिक एंड ग्लास स्टोव टॉप्स में भी इस्तेमाल हो सकता है। दिस इज़ अ वेरी रिलायबल वंडरशेफ वारंटी, 2 ईयर्स की वारंटी है। तो हाँ, अब आते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि मैंने इतने टाइम यूज़ किया है, सबसे ज़्यादा मैंने इसको फ्रैंक तवे को यूज़ किया, डोसा तवे को यूज़ किया। इसमें मैंने पैनकेक बनाया है और डोसा बनाया, डोसा तो मैं वीकली दो या तीन बार बनाती हूँ। तो और इसमें मैंने ज़्यादातर पूड़ियाँ और सब्जी वगैरह बनाई है, तो सबसे ज़्यादा मैं जो यूज़ करती हूँ, फ्रैंक पैन भी यूज़ किया है बट सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो इसका यूज़ होता है, क्योंकि इसको मैंने बहुत यूज़ किया है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो बस फ़र्क इतना है, ये गर्म नहीं होता है, बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है और बहुत अच्छा है इसका। मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी इसकी क्लिप डालूंगी कि कैसा काम किया, मैं इसमें पूरी जो बनाई है वो दिखाऊंगी, मैं क्लिप डालूंगी आपको। तो बस केवल इतना फ़र्क आया है कि इसको डोसे में ज़्यादा हीट होती है, बहुत देर तक ऑन रहता है, तो इसमें ये देखिए डिफरेंस केवल इतना है। इसमें भी मैंने पूड़ियाँ बनाई हैं, इसमें भी मैं इसको भी मैं यूज़ करती हूँ, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा फ़र्क दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको आई थिंक
डोसा बनाते हैं तो इसलिए शायद ज़्यादा यूज़ होता है तो इतना। और यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा सा, ये इसका ये कलर देखिए, ये कलर गया है बस इतना ही। और 4-5 मंथ हो गए हैं मुझे और बहुत रफली यूज़ हो रहा है। ये मेरी मेड ही वॉश करती है इसको। और इस कढ़ाई को ज़रूर मैंने डिनर के टाइम पे ही ज़्यादातर यूज़ किया है, लेकिन हाँ इसको मैं दोनों टाइम ही यूज़ करती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं प्रॉब्लम है, बट मुझे नहीं लगा इसका कहीं से भी मुझे कलर वलर कहीं से कुछ भी निकला नहीं। बस यहाँ से हल्का हल्का सा ये इधर से गया है, थोड़ा सा रस्ट हो गया बस, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा सेट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको थोड़ा सा आपको अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। ओके गाइस, सो हाँ, सो गाइस हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस। तो दिस इज अ 7-piece सेट, आपको चार ही दिखाई दे रहे होंगे आई एम श्योर। सो द 3 आर काउंटेड द लिड्स, दिस इज फ्राइंग पैन। तो ये फ्राइंग पैन है आपका, ये बहुत मतलब ज़्यादा यूज में नहीं आता, बट ये 3 बहुत, ये जैसे टी के लिए यूज होता है, ये टी के लिए, ये पैन बहुत यूज होता है, खास करके इसके लंच बॉक्स के लिए मैं इसी को यूज़ करती हूँ। और ये भी मेरे दाल में तड़का देना, थोड़ी सब्जी बनाना, तो इस ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट में दिया था और इसको जून में दिया था और जून से मैं रफली यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल रफली, मतलब रफली हाँ, मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, मतलब मॉर्निंग में जितने भी बार मॉर्निंग में यही निकलते हैं, हमेशा मॉर्निंग में तो यही निकलते हैं। ये वाला कम यूज़ होता है, ये वाला, क्योंकि हम इतना ज़्यादा खाना बनाते नहीं हैं। हाँ बस ये, लेकिन 3 हमारे तब से यूज़ हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। इन दोनों का कंपेरिजन करके हम बताएंगे कि इसमें क्या है, दोनों का करके दिखाएंगे, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया। सो गाइस बात है इसके मेजरमेंट्स एंड कैपेसिटी की, इसकी कैपेसिटी नहीं दी गई है। सो दिस इज़ लाइक 24.1 सेंटीमीटर। और उसके बाद फिर द कवर्ड सॉस पैन, दिस इज़ 2.4 लीटर्स इसकी कैपेसिटी दी गई है, एंड दिस इज़ 2.5 क्वार्ट्स। उसके बाद ये आता है हमारा कवर्ड डच ओवन विच इज़ 4.2 लीटर्स, मैन दैट इज़ अ लॉट ऑफ कैपेसिटी, एंड दिस इज़ 5.5 क्वार्ट्स। आफ्टर दैट दिस इज़ द कवर्ड सॉस पैन। Okay, we have 2 covered sauce pans accordingly. So this is 0.9 liters and this is 1 quart. This is very small, but ये हमारे चुटकू साय पर चाय के लिए काम आ जाता है। ये बहुत ही अच्छा है, इसलिए ये 3, और ये बहुत बड़ा है इसलिए ये ज़्यादा नहीं काम है। ये जब ज़्यादा गेस्ट आते हैं तो बिरयानी बनानी है या कुछ, तभी यूज़ होता है, अदरवाइज ये कम यूज़ होता है। सो गाइज, तो इसका ब्रांड का नाम है ग्रैंड गॉर्मेट, और आपको ये अमेज़ॉन पे भी मिलेगा। हमें ये US, जिसमें मॉम ने बताया हमें गिफ्ट में मिला था US फ्रेंड से, तो इसलिए एंड अमेज़ॉन में इसकी है ये, मतलब है तो आई कैन गिव यू द गाइज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो जाके चेक करना मत भूलना आप लोग, क्योंकि इसमें जो बिकॉज दिस इज़ वेरी गुड, वो डॉलर के प्राइस है, क्योंकि ये यहाँ का नहीं है, मुझे फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, इसमें डॉलर की प्राइस है, बट के प्राइस है। ये अमेजॉन पे अवेलेबल है, मैंने देखा है। और उसके बाद हम आते हैं थोड़े से और अच्छाइयों पे। सो दिस इज, तो इसके ये इतने लंबे लंबे हैंडल्स हैं इसके, जो ये सॉस पैन हैं सब के इतने लंबे हैंडल्स हैं विद दीज ग्रूव्स विच मेक्स इट ईजी टू लिफ्ट, एंड बहुत अच्छे से उसका यू नो पूरे से फिसलता नहीं है बेसिकली, यू कैन एक्चुअली नाइसली होल्ड दिस। और हाँ, एंड ऑब्वियसली स्टील का है तो इट कैन बी यूज इंडक्शन ऑल्सो। इसकी जो फिनिश है, इसकी आउट ये है आपका मिरर फिनिश, आप देख सकते हैं, और इनसाइड इज सैटिन फिनिश, एंड दिस कंफर्टेबल हैवी गॉज स्टेनलेस स्टील। सो या, सो गाइज द ग्रैंड गॉर्मेट 7-piece स्टेनलेस स्टील सेट की जो लिंक है वो हमें अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाई है। इन जो ग्रैंड गॉर्मेट है उसके हमें सेपरेट सिंगल यूटेंसिल्स के लिंक मिले, बट दे आर वेरी कॉस्टली। तो हमें एक ऐसा सिमिलर ब्रांड मिला है, उसका नाम विनोद कुकवेयर है, वो ऐसा सिमिलर बेच रहा है, बट मैं उसकी क्वालिटी की गारंटी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने उसको यूज़ नहीं किया है, तो मैं उसकी क्वालिटी की गारंटी नहीं कर सकती हूँ, बट फॉर द सेक ऑफ इट मैं उसको लिंक डाल रही हूँ नीचे, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके गाइस, तो अब हम
the war between the steel and the non-stick. Okay, तो हम start करते हैं. तो first thing is कि the content of the oil. तो अब जो content of the oil, तो इसमें ये भी हमारा steel, non-stick की तरह use होता है, पर इसमें अगर आप हल्का सा brush जो आपका होता है ना, वो लगा दो तो चल जाएगा. इसमें अगर 1 tablespoon, this needs 2 tablespoons. तो ऐसे करके, because this is obviously not a non-stick, this is steel. स्टील है तो ऑब्वियसली इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, पर फॉर स्टील कंटेनर दिस इज अमेजिंग. उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी, क्वालिटी तो अच्छी है, पर मैं इसको यूज करने के बाद इसकी फैन हो गई हूँ. मुझे ये वाला सेट बहुत पसंद आया है. और ऑयल की क्वांटिटी जरूर, अगर मतलब वेट लूज कर रहे हैं तो बात अलग है, बस ऑयल की क्वांटिटी का ही डिफरेंस है कि आप इसमें हल्का सा ब्रश करेंगे, थोड़े से ड्रॉप डालेंगे तो आपका बहुत अच्छा कुकिंग होगा. बट इसमें हल्का सा ऑयल लगता है, बट मुझे ये वाला सेट सीरियसली बहुत पसंद आया है. बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये वाला सेट. हाँ, और साथ ही साथ ये है अब हैंडल्स का. जैसे मैंने बताया था, मेरा प्लास्टिक इंसुलेटेड है तो आपका ये गर्म नहीं होता. हाँ. है चाहे आप जहाँ से भी पकड़ो, पर हाँ, ये कितना भी आप इसको यूज करेंगे गर्म नहीं होगा. तो ये गर्म नहीं होगा, पर इसमें ये है कि आपको यहाँ से पकड़ोगे तो आप जल जाओगे, यहाँ तो पक्का जलोगे, यहाँ पकड़ो तो जलोगे. ये गर्म आपको ऐसे पकड़ना यहाँ से, तो जिससे ना गर्म हो. इवन बॉक्स में भी ये चीज मेंशन है कि क्योंकि ये लॉन्ग है, जिससे क्योंकि मेंशन है एक्चुअली कि ये इसलिए उन्होंने लॉन्ग बनाया ताकि हीट यहाँ तक ना पहुंचे. हाँ, तो दैट्स द रीजन. आपको जब यूज करना है तो इस तरह से ही पकड़ना है. अगर आपने इधर पकड़ दिया तो पक्का आप जल जाएंगे, तो आपको इधर किनारे को पकड़ना है. किनारे को पकड़ने पर हीट नहीं आती है. तो मतलब बहुत सोच समझ के थोड़ा सा थिंकिंग लगा के उन्होंने बनाया है. तो मैंने बता दिया कि इसमें और इसको ज्यादा यूज करने पे इधर ये थोड़ा सा इसका यहाँ से गया और हल्का सा रंग कलर थोड़ा सा, और बाकी इसको हम बराबर यूज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कुछ भी फर्क नहीं दिख रहा है. कुछ भी, नथिंग. तो मुझे ये दोनों सेट मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि ये बहुत ही क्यूट है, तो थोड़ा स्टाइल के लिए थोड़ा इसको अब एक्चुअली यूज एज डेकोरेशन. नहीं नहीं, ऐसे नहीं खाना है, खाने के लिए भी अच्छा यूज़ होता है. डोसा वगैरह बनाने में मुझे बहुत हेल्प मिलती है इसमें, क्योंकि मुझसे डोसा नहीं बनता था, लेकिन जब से मैंने ये लिया है तो मैं बहुत ईजिली डोसा बनाती हूँ. हफ्ते में कई बार बनाती हूँ इसको, बॉक्स में भी देती हूँ, घर पर भी, ये हर संडे डोसा लेती है मुझसे इसमें. तो ये जब से ये आया है तो मुझे डोसा बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. बट ये वाला सेट मेरा बहुत ही रफली यूज़ होता है, और मेरी जो मेड आती है वो इसको धोती है, तो धोने में भी, हाँ, प्लस पॉइंट इसका ये भी है कि धोने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. जैसे स्टील के बर्तन होते ना, जल जाते हैं साइड में, या ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी से ये क्लीन हो जाता है. इसको क्लीनिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लीनिंग से याद आया, दिस इज आल्सो डिशवॉशर फ्रेंडली. हाँ, डिशवॉशर फ्रेंडली भी है ये. So guys, this was our review on our Wonderchef and our Grand Gourmet. So ये दोनों थे. I hope you guys आपने इस वीडियो को enjoy किया होगा. और हाँ, और please comment down below कि which would you prefer, Wonderchef or Grand Gourmet? Because I prefer both. मैं तो उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती क्योंकि दोनों के प्लस पॉइंट्स हैं, दोनों के माइनस हैं. तो आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. द लिंक्स ऑफ दिस प्रोडक्ट्स वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिफोर. सो दोनों प्रोडक्ट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक दोज आउट टू. यू गाइस गॉट टू बाय दिस, दिस आर एपिक, ट्रस्ट मी. एंड ऑल्सो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज गिव मी योर रिव्यूज इन द कॉमेंट. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. ओके, डिड आई से दैट नेक्स्ट टाइम, बट इट्स ओके. सो See you with the next video. For now, bye. See you guys.